तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के साथ जहाँ आपको देखने को मिलेगी इंडियन ट्रेन सिमुलेटर। गेट रेडी गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एपिक गेमिंग जर्नी विद योर ब्रदर। हेलो दोस्तों, मैं पराग और आप देख रहे हैं पराग सिंह चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जी हाँ, हम आ चुके हैं आप सभी के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे ट्रेन सिम इंडिया बाय डोटेक्स इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर इस गेम के ऐसे फीचर्स जो आपको शायद किसी ने नहीं बताए होंगे, शायद किसी ने नहीं बताए होंगे, या आपको फीचर्स आपने नोटिस किए होंगे, द फीचर्स दैट यू हैव नोटिस इन द ट्रेन सिम इंडिया आफ्टर द वर्जन 1.5.9। आपने ऐसे कुछ फीचर्स शायद ही नोटिस किए होंगे, अगर किए होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज की वीडियो में शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस वीडियो का थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ, या कह सकते हो आप थोड़ा सा वीडियो के बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहले बेसिकली हम क्या करेंगे, एक जर्नी लेंगे। जो जर्नी होने वाली है अम्बाला से लुधियाना जाने वाली है, उसमें हम आपके अभी सभी के लिए एक बार ये फीचर्स बताने के लिए हम कौन सी भी एक बार जर्नी लेंगे, तो उसमें हम आपको सारे फीचर्स जो जो हमारे सामने स्पॉट होते हैं आप सभी के सामने, और जो जो हमने फीचर्स ऐसे स्पॉट किए हैं जो आपको शायद किसने बताए होंगे वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो मैं ड्राइव पे क्लिक कर देता हूँ। और जी हाँ, मैंने जैसे कि आपको बोला था हम चलेंगे। अब सबसे पहले आप सभी लोग कह रहे थे, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई डबल डेकर एक्सप्रेस लेके चलो। तो ठीक है, लुधियाना से हम अम्बाला कान जंक्शन की ओर डबल डेकर लेके चले कि शताब्दी लेके चले, बता दो एक बार मुझे। एक सेकेंड गाइस, कट इट। सो वी आर बैक, देख सकते हैं आप सभी लोग, हम पहुंच गए रूट सिलेक्शन ऑप्शन में। जो अपकमिंग रूट्स में मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल अभी तक कुछ ऑप्शंस नहीं है और अभी तक नॉर्थन रेलवेज़ के रूट से हमारे पास। तो अब आज हम चलाने वाले हैं जिसमें आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे वो होगा अम्बाला कान जंक्शन से लुधियाना जंक्शन पर। अभी एक्सप्रेस की बात करते हैं, हम कौन सी एक्सप्रेस चलाए, क्या इंटरसिटी एक्सप्रेस होनी चाहिए, ICF AC एंड स्लीपर वाली कि डबल डेकर एक्सप्रेस। मेरे हिसाब से हम आज चलाएंगे अम्बाला कान जंक्शन से चलकर डबल डेकर WD PD 4D डीजल लोकोमोटिव वाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बहुत मज़ा आने वाला है आपको अम्बाला कान जंक्शन से चलकर लुधियाना जंक्शन की जाने तरफ जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने कुछ ही समय प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आएगी। यात्रियों से निवेदन, कृपया अगर उन्हें लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर अभी तक आप लोग ने हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगे सारे गेम्स, चाहे वो ट्रेन के हो, क्रिकेट के हो, या ट्रक्स के हो, बस के हो, कार्स के हो, कौन से भी गेम्स हो, मोबाइल के हो, PC के हो, कंसोल हो, गेम की न्यूज़ आपको वहाँ पर सीधा मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द आवर जर्नी विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, अम्बाला कान जंक्शन से लुधियाना जंक्शन की और लेट्स गो। जब तक लोड हो रहा है तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन हो जाइए। तो फीचर्स डेटा स्पॉट नंबर 1 आप सभी के सामने देख सकते हो। अभी हमारी इंजन को अभी तक रेड लाइट है और सामने से आप देख सकते हो शताब्दी एक्सप्रेस जाती हुई विथ डीजल लोकोमोटिव के साथ। और आप देख सकते हो ये पहले नहीं हुआ करता था जंक्शंस पे, अभी रिसेंटली जो 1.59 अपडेट में आया है और 1.58 अपडेट्स में आया तब से ये होने लगा है। तो कि एक ट्रेन पहले से क्रॉस करती है, भाई हमें भी दो इंजन का मौका मिल गया हमें। और आप देख सकते हो फीचर्स नंबर 2 जो आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर वो फॉलो करके रखा हो तो आप लोग को पता चल गया होगा। फीचर नंबर 2 है कि ट्रॉटल की उधर परसेंटेज ऐड आ चुका है, और जो हमारी वीडियो इंजन चालू कर लेते हम फटाफट पकड़ेंगे उस ट्रेन को, वो लोको पायलट के थ्रू दिखाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने आपको ये फीचर्स नंबर 2 आप देख सकते हो जो है कि फीचर्स नंबर 1 है सामने से ट्रेन जा रही पैरेलल रेसिंग होती हुई
वो है फीचर नंबर वन, मतलब आप जो जंक्शन पे खड़े हो वहाँ से एक और ट्रेन डिपार्टिंग होती हुई। और फीचर नंबर थ्री की बात करें, फीचर नंबर थ्री है शंटिंग यार्ड, जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। आप देख सकते हो दो कोचिस, दो एक्सप्रेस खड़ी है इधर, शंटिंग यार्ड है इधर, एक शंटिंग यार्ड है मतलब डॉकयार्ड टाइप का ही। देख सकते हो हमारी ICF गोल्ड एंड गोल्डन एरा ICF हमारी ब्लू कलर की वो उधर खड़ी है, और उसके साथ राजधानी LHB, और आप देख सकते हो पैरेलल रेसिंग होती हुई। तो आप अभी, आप लोग बहुत लोग बोले थे रेल ट्रैफिक चाहिए, रेल ट्रैफिक चाहिए, डेवलपर्स को बोलिए रेल ट्रैफिक लाने के लिए। तो अब रेल ट्रैफिक तो देखो भाई धीरे धीरे अपडेट में आ ही रहा है, बहुत लोग अभी अपडेट 1.5.9 के बाद बोल रहे हैं कि अब रेल ट्रैफिक धीरे धीरे फाइनली रूट में देखने को मिल रहा है। ये तो हमारी पैरेलल रेसिंग है, दोनों ही डीजल लोकोमोटिव्स के साथ सामने है, डबल डेकर एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस की पैरेलल क्रॉसिंग, और कह सकते हो पैरेलल रेस होती हुई। और सामने से एक और एक्सप्रेस आती हुई जो क्रॉस कर देगी दोनों ये एक्सप्रेस के, दोनों डीजल लोकोमोटिव के बीच में, वो भी एक है डीजल लोकोमोटिव। तो थ्री डीजल लोकोमोटिव की यहाँ पर क्रॉसिंग होती हुई आप देख सकते हो, वो भी शताब्दी, बाजू वाली भी शताब्दी, और हमारी है डबल डेकर एक्सप्रेस। देख सकते हो अभी बोले, आप बोले रेल ट्रैफिक है कि नहीं भाई, डोटेक्स इंटरेक्टिव डेवलपर्स काम कर रहे हैं भाई, वो अपने एफर्ट से काम कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा एक मिनट ब्रेक लगा लेते हैं, आपको फीचर्स, हिडन फीचर्स दिखाने हैं। तो देख सकते हो हमारी इंजन, और जो शताब्दी इंजन जो उधर से जा रही है, हम जा रहे हैं लुधियाना की तरफ, और वो जो जा रहे हैं वो शायद दूसरे रूट पे जा रहे हैं। तो देख सकते हो वहाँ से क्रॉसिंग करते हुए, क्रॉस भाई रेल ट्रैफिक शुरू हो चुका है। बहुत लोग बोल रहे रेल ट्रैफिक नहीं आया, नहीं आ रहा है, ऐड कीजिए और ऐड कीजिए। तो आप देख सकते हो वो वहाँ से निकलते हुए, ये था फीचर नंबर, और एक और क्रॉसिंग होती हुई भाई साहब। फीचर नंबर आप देख सकते हो वन, एक क्रॉस होता हुआ वहाँ से एक और क्रॉसिंग, कोच कैम के लास्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आपको सही से दिखेगा। देखो वहाँ से शताब्दी एक्सप्रेस गई, और वहाँ से अपनी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वेब 7 या वेब 4 या 7 है, शायद कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, पर वो डबल डेकर एक्सप्रेस आती हुई जो अपने अराइवल करेगी अब अंबाला जंक्शन की। और देख सकते हो भाई ये रेल ट्रैफिक नहीं है तो क्या है, मुझे बताओ भाई। डेवलपर्स अपना काम कर रहे हैं, डेवलपर्स सबकी बात सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स नहीं सुन रहे हैं। डेवलपर्स कह रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं रेल ट्रैफिक पर, और अपडेट्स भी ला रहे हैं, फिर उनका काम ऐसा है कि जो भी अपडेट लेके आए, नए फीचर्स हो या जो भी पुराने फीचर्स हो, उसको बग फिक्स करना है पहले, तो वो बग फिक्स होने के बाद फिर वो नए फीचर्स को धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे, जिसे कुछ सिलेक्टेड रूट्स में सिलेक्ट करते हैं, जिसे वो टेस्ट कर सके कि कोई लैग तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो देख सकते हो आपने फीचर नंबर थ्री देख लिया, फीचर नंबर वन था आप सभी के सामने की पैरेलल रेस, जिसे आप हमारे जंक्शन से निकलते हुए और आपके साथ एक और सामने से ट्रेन निकलती हुई, तो वो था पहला फीचर। सेकंड फीचर आप लोग ने देखा कि वो था शंटिंग यार्ड, जो हर एक जंक्शन और एक रूट के जंक्शन पर और जंक्शन के एंडिंग पर पहुँचते जब हर एक वहाँ पर शंटिंग यार्ड आ चुका है, जो एक एक फीचर्स है जो डेवलपर्स कह रहे हैं कि इस फीचर से कि शंटिंग यार्ड का कुछ ना कुछ तो आगे गेम में ज़रूर आएगा। और अभी हम पहुँचते हुए यहाँ पर, तो फीचर नंबर थ्री आप लोग ने देखा रेल ट्रैफिक अभी चालू हो गई है, जो आप लोग बहुत सब लोग बोल रहे थे, हमने भी मतलब डेवलपर्स को कहा था कि रेल ट्रैफिक करो, पर अंबाला सिटी के तरफ हमारी डबल डेकर सुपर फास्ट एक्सप्रेस डीजल लोकोमोटिव के साथ अंबाला सिटी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, स्टेशन पर आ चुकी है। तो अभी थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं क्योंकि, और टोटल के उधर देख सकते हो आप, टोटल को स्पीड और ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन के एक्सेलरेशन को और इम्प्रूव किया है, पहले जो एक्सेलरेशन था उससे और इम्प्रूव हो चुका है, ये कहता है फीचर नंबर फोर। फीचर नंबर फाइव में भी आपको आगे और बताऊंगा, देख सकते हो फीचर नंबर फाइव तो या फोर एक ही कह लीजिए, क्योंकि सामने से एक और ट्रेन की स्टेशन पर अराइवल होने वाला है भाई। फीचर्स डेट आई एज स्पॉटेड, जो आप कह सकते हो एक इंजन लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ICF के साथ,
आते हुए। तभी मैं आपको बताऊंगा, आप देख सो अभी वो अराइवल हो चुका है, उनका अराइवल हो रहा है भाई, अराइवल हो रहा है भाई। आप बहुत लोग बोल रहे थे भाई स्टेशन पर खाली खाली लगता है, तो देख सकते हो अभी अराइवल हो रही है ट्रेन का, स्टेशन से वो डिपार्चर हो रही है। तो भाई रेल ट्रैफिक्स फीचर नंबर 5, तो ये था फीचर नंबर 5। टोटल 5 से 6 फीचर्स हैं जो मैंने आपको आज बताए, देख सकते हो। ICF की आवाज़ सुनिए। देख सकते हो गाइस क्रॉसिंग चालू हो गई है, क्रॉसिंग हो चुकी है, रेल ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है। तो अब धीरे धीरे करके गेम और ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हमें ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ, तो अभी आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट की और गेम की साउंड को थोड़ा एंजॉय करें, लेट्स गो। जैसे अगला जो स्टेशन आएगा वहाँ पर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमें केवल आप सभी को बताना था कि 5 से फीचर्स जो मैंने स्पॉट किए हैं, आप सभी लोग को थोड़ा बता देता हूँ कि फीचर्स इन डिटेल। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में वही बताना है, क्रॉसिंग स्टार्ट हो चुकी है, रेल ट्रैफिक भी थोड़े थोड़े करके अब स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे करके, जो डेवलपर्स ने हमारी बात सुन ही रहे, सबकी बात सुन ही रहे डेवलपर्स। जैसे एक स्टेशन आएगा वहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, तब तक आप गेम की आवाज़ सुनिए और इन्जॉय कीजिए, और मुझे बताइए अगली जो जर्नी है ट्रेन सिम इंडिया की वो कौन से रूट पर होनी चाहिए और कौन से कोच के साथ और इंजन के साथ होनी चाहिए स्टेशन आता हुआ। गाइस देख सकते हो हमने रेड सिग्नल को क्रॉस ओवर कर दिया है, इस वजह से गेम ओवर हो चुका है। तो मिलते हैं इसी और नए वीडियो के, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय हिंद, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। और जाते जाते मैं आपको एक बता दूँ, यहाँ से अगर आप देख सकते हो कि एक ट्रैक यहाँ लेफ्ट साइड में जा रहा है, जो आप लोग ने अगर फोकस किया होगा जब मैंने लोको पायलट मोड पर किया था, तब एक ट्रैक दो ट्रैक यहाँ से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, मतलब कुछ नया रूट का डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, ऐसा मेरा कहना है। डेवलपर्स का तो मैं अभी ट्राई करूँगा डेवलपर से बात करने की, अगर कुछ पता चलता है तो मैं आप सभी के सामने जरूर शेयर करूँगा। मिलते हैं इसी और नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय हिंद, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।
तो दोस्तों मैं पराग और आप देख रहे हैं पराग जी।